हेलो, नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और वीडियो देखकर आपको मज़ा आ रहा होगा। तो आज फिर से एक न्यू अपडेट लेके आया हूँ आप सभी के लिए। अभी हूँ मैं मनाली में, बानू ब्रिज के पास, अपने बड़े भाई के कैंप में। कैंप का नाम है द नॉर्थ हिल कैंप। अगर आप में से मेरे भाई कोई मनाली आ रहे हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो वो हमारे इस कैंप में रुक सकते हैं। अभी तो कैंप में आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल खाली है कैंप, अभी काम चला हुआ है यहाँ पर, साफ़ सफाई चली हुई आज कैंप की। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी, तो हमने प्लान बनाया अपने भाइयों के साथ वाटरफॉल जाने का। तो अभी हम आपको लेके जाएंगे एक हिडन वाटरफॉल में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें हम चर्चाएँ करेंगे मनाली की, भैदर की, रोड की और हिडन वाटरफॉल की। बाकी इस जो हमारा ये कैंप है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको क्या कॉस्ट रहेगी, कैसा यहाँ पे स्टे रहेगा, क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो बने रहे अंत तक वीडियो में। थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं आसपास कैंप का। तो ये हमारा कैंप है, ये बॉनफायर एरिया है दोस्तों। अभी यहाँ पे हमारे सभी टेंट से सामान बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि अभी कैंप खाली है, 2-4 दिन में कैंप शुरू होने वाला है। तो अभी साफ़ सफाई हो रही है, कैंप का बहुत ही बड़ा स्पेस है, बहुत ही मस्त जगह है, रिवर साइड है। और ये हमारे इंस्ट्रक्टर है स्पाटा जी, अपने बड़े भाई, और ये हमारा हस्की है। तो स्पाटा भाई, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हिडन वाटरफॉल। तो बने रहे वीडियो में, क्योंकि अभी जा रहे हैं हम हिडन वाटरफॉल। अगर आप कैंप में स्टे लेने आ रहे हो तो इसी में मैं नंबर छोड़ूंगा, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट बुकिंग के लिए। और आप इस वाली प्लेस में कैंपिंग करना चाहते हो तो मनाली में आपके लिए इससे बेस्ट कैंपिंग और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बॉन फायर, डीजे नाइट, ब्रेकफास्ट, डिनर इंक्लूड होता है। बाकी एडवेंचर भी होता है थोड़ा बहुत यहाँ पे, वो आपको जैसे ग्रुप लगेगा उस दिन हम आपको पूरा आपको यहाँ का डिटेल वीडियो दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ, और व्यू कितना शानदार लग रहा है। हस्की को लेके चलेंगे हम, ये यहाँ पे अपनी जिप्सी और जिमनी लगी हुई है, तो अभी हम जिमनी लेके ही जाएंगे आपको, लेके जाएंगे हिडन वाटरफॉल यहीं पास में, इस वाले घने जंगल में। हिडन वाटरफॉल बहुत ही प्यारी लोकेशन है, तो अंत तक बने रहे आप, मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हम निकल पड़े हैं ट्रैक की तरफ। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो मनाली मॉल रोड से 2 किलोमीटर नीचे आए आप बानू ब्रिज तक। तो यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, एक आप रांगड़ी चौक होकर भी जा सकते हो, एक आप बानो ब्रिज पर आ सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में शनि मंदिर है, और राइट साइड में जो आप ऑफ रोड देख रहे हो, हाईवे से ऑफ रोड शुरू होता है, तो हम ऑफ रोड से जा रहे हैं। तो रास्ते की कंडीशन तो खराब ही लग रही है फिलहाल, तो बाकी देखते हैं कैसी है कंडीशन। जैसे ही यहाँ पहुँचने वाले थे, यहाँ आकर तो हमारा मोह मोह हो गया, यहाँ तो रोड ही क्लोज था, तो हमारा दिल टूट गया दोस्तों, हम यहाँ से वापस निकल पड़े। शायद हमारी किस्मत ही ख़राब थी, ट्रैक शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया हमारा, रास्ता ही बंद था वो वाला जहाँ से हमें जाना था। तो हमने सोचा अब शाम भी होने वाली है, तो वापस आते हैं कैंप की तरफ, और कैंप पे अपनी गाड़ी को धोते हैं मस्त तरीके से। तो अभी गाड़ी को धोएंगे यहाँ पे मस्त तरीके से, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी सी बातें करेंगे आपके साथ। फाइनली दोस्तों, जिमनी तो चमक चुकी है, अब अंदर से भी इसको चमकाएंगे, अंदर से भी सफाई करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी और फिर से जाने वाला हूँ मैं एक न्यू डेस्टिनेशन पे। तो रेडी कर रहे हैं, जब तक तो गाड़ियों को खुद से ना धोएं तो तब तक मज़ा ही नहीं आता है, लगता है अच्छे से नहीं धुली है, खुद से धो के ही मज़ा आता है। और बाकी ये कैंप साइट सुबह हम बात ही कर रहे थे, कैंप है हमारे बड़े भाई का, जहाँ पर बड़ा सा ग्राउंड है, जहाँ पे आपको रिवर साइड में कैंपिंग अगर करना है तो इस वाले कैंपिंग में आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे बॉन फायर होता है, यहाँ पे डिनर होता है, यहाँ पे डीजे डांस होता है, बॉन फायर होता है। बाकी आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो यहाँ पर हमारी तरह खुद से धो भी सकते हो। फाइनली गाड़ी धो के फ्री हो चुका हूँ मैं,
तो ट्रैक वाला प्लान तो आज कैंसिल ही हो गया, शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। हिडन वाटरफॉल घूमने तो जा रहे थे पर वाटरफॉल का रास्ता ही बंद था, फिर हिम्मत नहीं बोली दूसरे वाले रास्ते से जाने की, तो नेक्स्ट टाइम आपको वाटरफॉल लेके चलेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा काम भी पड़ गया था तो हम वापस आ गए अपने कैंप साइट को, गाड़ी को धो दिया, चमका दिया। तो आपको कैंप साइट कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वाली कैंप साइट का फुल डिटेल वीडियो चाहिए, आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए कैसा यहाँ पर स्टे है, टेंट के अंदर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर स्टे रहता है, क्या क्या उसमें इंक्लूड रहेगा, वो सब डिटेल हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे क्या क्या यहाँ पर होता है, दो तीन दिन में आपको कहाँ कहाँ ले जाते हैं, ट्रैकिंग को कहाँ ले जाते हैं, एडवेंचर में क्या होता है, फूड में क्या मिलता है खाने को, तो वो वाली डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी बात करें वेदर की, मनाली का वेदर बिल्कुल ओके है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप भी आ सकते हो क्योंकि अब बारिश भी नहीं हो रही है, रोड भी ओपन है, सभी दिल्ली चंडीगढ़ मनाली लेह लद्दाख रोहतांग पास सभी रास्ते अभी ओपन है। अगर आप घूमना चाहो स्पीति टूर तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मनाली घूमने आ रहे हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो मनाली घूमने के लिए, स्पीति घूमने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए हम चलते हैं फिर से घूमने कहीं, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।